सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा ब्लॉग, जहाँ पे हम लोग गए थे बोरिवली मार्केट। और बोरिवली मार्केट हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गए थे, और वहाँ पे हमें बाई चांस एक अनुपम स्टोर दिख गया था। दैट वाज एक स्टेशनरी प्लस अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टोर, बट वहाँ पे स्टेशनरी बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, एंड उसी का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली। और दूसरी बात ये है कि डू नॉट मिक्स एंड मैच वीडियोज़ दैट आई एम शेयरिंग यू ऑफ बहरीन ऑल्सो। बहरीन के भी मैं अभी ना आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश अप बहरीन ब्लॉग्स, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बहरीन ब्लॉग्स विच वर रिमेनिंग। तो मैं वो वाले ब्लॉग्स भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये जो अनुपम स्टोर है, ये मुंबई का बोरिवली वेस्ट में जो स्टेशन के वहाँ पे स्टोर है, मैंने भी यहाँ पे पहली बार गई थी एंड स्टार रियली लाइक दैट स्टोर। देर वर सो मेनी आइटम्स इन दैट स्टोर। तो हम लोग ने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और हम लोग ने वहाँ से कुछ शॉप भी किया है, तो वो मैं आप लोग को लास्ट में दिखाती हूँ कि हमने वो स्टोर से क्या शॉप किया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ शॉप नहीं किया था, बिकॉज यू नो स्टार हैज़ ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आप लोग को जाना है, यू कैन डेफिनेटली गो देयर, यू विल फाइंड सो मेनी यूनिक स्टफ्स ओवर देयर। सो चलो लेट्स गेट एंड एक्सप्लोर द स्टोर। लुक एट दिस, पूरी जाएं जाती स्कूल, पूरा यूज में आता स्कूल में, पूरा जायंट है ना स्टार, जायंट है, सब चीज है इसमें, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, बस ये उठा के चले जाना स्कूल। हाँ, बैग में कुछ मतलब सो लास्ट वीक बोरिवली वेस्ट में शॉपिंग करते हुए हमें एक हिडन जेम मार्केट स्टोर मिल गया था, आर्ट क्राफ्ट और स्टेशनरी आइटम्स के लिए। और ये बहुत ही यूनिक सा स्टोर था, मुंबई में काफ़ी कम देखने मिलता है इतना ऑसम कलेक्शन जो स्टेशनरी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का है। तो यहाँ पे स्टार और निधि ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, और वही हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग को भी जाना है तो आप भी ट्राई आउट कर सकते हैं यहाँ पर जाके। आई थिंक इनके काफ़ी सारे स्टोर अलग जगह भी अवेलेबल है। पूरी एनर्जी आ गई स्टार को, सब तो बहरीन के आइटम्स है। बहरीन का टाइम है, छोटा ये क्या है, राइटिंग पैड्स, ये हाइलाइटर, दीज आर वेरी नाइस, लॉट ऑफ हाइलाइटर्स आर देयर। मेरे पास है ऐसे बहुत सारे टिप्स, मेरे घर में आके ले लेना। ऐसे होते है ना क्लैम्स खोलते फिर अंदर से पर्ल्स निकलते। अब इसमें टेप लगा, जैसे क्लैम्स खोल के रिंग पर्स निकलते, वैसे ये खोलेंगे तो रिंग्स निकलेंगे। पेस्टल वन और इधर भी चली गई, ये रेजेबल हाइलाइटर है, ट्विन हेड नहीं, बजट में नहीं। ठीक है, गिफ्टिंग नट्स क्या है, BTS है, पानी बोतल ना, नाइस, 175 का है। अदर देन BTS सेट्स, फाउल सेट, ग्लासेस बॉक्स है, बॉक्स है। पेपा पिक का क्या करेगा तुम, मैं पेपा पिक का नहीं यूज कर सकती। तो इसके तो बहुत ऑप्शन है गाइस, ओह माय गॉड, मिनी हाइलाइटर्स, ये तो पेन है शायद, ये भी सब है, ये तो स्केच पेन्स है, कोरियन मार्कर पेन्स है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट स्टोर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, और इन्होंने बल्क में स्टोर करके रखा हुआ था। और यहाँ पे ए टू जेड सारी चीज़ें थी, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों के लिए सारे आर्ट स्टेशनरी क्राफ्ट जितने भी आप आइटम सोच लो उतने सारे अवेलेबल थे। और इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी ये स्टोर में, माई गॉड। मैंने देखो देवी के लिए क्या लिया, स्टिकी नोट्स, शार्पनर, इरेजर का कलेक्शन, ओ माय गॉड, मुझे क्लास में शार्पन करते थे जाके डस्टबिन में डालना चाहिए, छोटू सा। यू हैव अ लॉट ऑफ शार्पनर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ शार्पनर्स, डार्लिंग, आई नो, देयर आर बिग बिग आल्सो, आई नो, लाइक
एक्चुअली उसके रहता है आर्टिस्ट वगैरह, आर्टिस्ट के लिए उन्हें पेंसिल के साथ पीछे से हैंडल घुमाते हैं और शार्पन होते हैं खुद में बुक वगैरह। अरे ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, ये देखो ये उसने मुझे दिखाया, ये देखो ये बर्गर को खोलते हैं, उसके ऊपर इरेजर्स है और फिर अंदर शॉप में गिराओ मत चीज़ें। अच्छा यूज़ टू गेट दैट इन लॉरेंट, देयर आर सो मेनी डायरीज आल्सो, दीज आर बीटीएस डायरीज, मिस दिस पिंक में यूनिकॉर्न नहीं है, व्हाट इज दिस, ये मेरे पास पहले होता था पर पता नहीं उसका शार्पनर गायब हो गया, ये वाला ना, हाँ वही तो, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी था, बैग पैक खोलो, हाँ My mother's like not going to buy it. What is that? It's an eraser, pencil eraser. Oh, look at this. Space ka diary, Dino ka diary, BTS. Stalit doesn't like this. Neither BTS, neither BTS. Neutral. I love that. I like some cheese. Here is a sabzi. Sabzi wala rubber. Peppa pig. Carrot. Dekho aise dal ke bhej dene ka. Peppa pig ka. एलिफेंट वाला तो देखो, बीटीएस टीवी, अरे मामा देवी मामा चल भाई नहीं चाहिए unicorn ones, but then I got the eraser, she was like, then keep this and take this. Like, okay. Look at these, these are so cute. Isn't this cute? Fine, look at this. Oh wow, this is price. Charlotte is atko there. Why you took this one? ये ना show me all what show me लिखना है क्या मारपीट करना है मारपीट नहीं पर यार की चलता है इसको शार्पन करने पर इतना बड़ा शार्पनर भी चाहिए दोनों दोनों डांडिया गिलो What is this? Unicorn nail polish. Very out of budget. तो तुम्हें नहीं चाहिए? कितना सारा? बहुत गंदे थे। कितने सारे चाहिए तुमको? अपने स्टेशनरी होते तो फिर ये चाहिए ये सब वो काउंटर्स में मतलब आपका स्टडी काउंटर में डालने के लिए साइड में आप लगा दीजिए द हाइलाइटर्स सी आई फाउंड ग्लिटर हाइलाइटर्स ग्लिटर हाइलाइटर्स दीज एक्चुअली हैव ग्लिटर अच्छा लिख के देख लिया चलो स्टार और निधि यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और काफ़ी ज़्यादा मतलब ना काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट भी हो रहे थे वो चीज़ों को लेने के लिए बट स्टार के पास एज़ यू ऑल नो जगह ही नहीं है चीज़ें रखने के लिए इतनी सारी स्टेशनरी उसके पास है बट निधि ने भी यहाँ से कुछ कुछ शॉपिंग की थी यूनिक स्टफ्स थे प्राइसेस थोड़े से हायर साइड में मैं बोलूँगी बट फिर भी अच्छे थे क्वालिटी वाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी थी और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने बहरीन में भी देखी थी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी थी जो नई नई थी जो बहरीन में नहीं भी मिलती है और पाउचेस के तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी थे यहाँ पे और थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में थे बहरीन में हमको इससे भी थोड़ी चीपर चीज़ें मिल रही थी बट ऑल इन ऑल सुपर कलेक्शन कैनवस पाउच मेरे पाउच है पेंट करना नाइस दूसरा फिर कितना बड़ा है मेरे क्लास में तीन चार बच्चे ऐसे लेकर आते ये वाला पर इसमें यूनिकॉर्न है स्पेशलिटी प्राइस स्टार को पता नहीं कौन सा मतलब मिल गया मिनी ये सब हमने बैरन में भी देखा बाबा स्टडी टेबल लाइट्स एंड फैंस पोर्टेबल फैन हाँ हवा आ रही है ना चलो थैंक यू
ये भी वही है ओह माय गॉड यहाँ पे भी बहुत सारे पेंसिल कलेक्शन है लाइट वाले ये पेन पेंसिल्स है बस 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 क्या कर रहे हो इतना मत तो बेटा तारी चलो 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 शार्पनर भी है अच्छा जल्दी को काटेगा वही बोला मैं दिया चलो मम्मी वेट कर रही हूँ ऊपर से निकाल के 35 फाइनली थोड़ी सी चीज़ें लेके हम निकल गए निधि ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की स्टार ने भी थोड़ी सी शॉपिंग की ज़्यादा हमने जेवी के लिए की थी वैसे तो जेवी के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूरत नहीं होती है बट फिर भी मैंने उसके लिए एक दो पजल्स ले लिए घर आके मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले ये 4-in-1 एनिमल वर्ल्ड जिग्सॉ पजल ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है पर अमेज़ॉन से थोड़ा सा चीपर प्राइस में मुझे ये मिला और फिर सेकेंडली मैंने ये लिया है ये बोर्ड पजल जो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आई थिंक 140 रुपीज़ का था ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ये एनिमल वाला मैंने लिया था एलिफेंट वाला जो जेवी को सबसे ज़्यादा पसंद है एंड ये इसका प्राइस था 330 रुपीज़ का बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे 290 का कुछ मिला था ये एंड फिर स्टार ने ये लिया ये टू डू लिस्ट प्लानर जस्ट आप लोगों को पता है आजकल स्टार बहुत करती है तो ये प्लानर स्टार को चाहिए था तो यही खाली स्टार ने लिया है एज इन स्टेशनरी So this was a small shopping and exploring of a store in Mumbai. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. We will come up with more videos. Thank you and see you on my another vlog. Take care. Bye bye.